लोकी क्राफ्ट को तो आप जानते ही होंगे, माइनक्राफ्ट की सबसे पॉपुलर कॉपी है ये। इसके लिटरली भाई 7 से 8 गेम्स बने पड़े हैं और आज हम इंस्टॉल करने वाले लोकी क्राफ्ट एक्स और इसको कंपेयर करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के साथ और दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। तो ये रही हमारी लोकी क्राफ्ट की लोडिंग स्क्रीन जो कि बिल्कुल मोजैंग जैसी है और लोड होने के बाद ये सब मांग रहा है मेरे से, अच्छा ये तो नहीं चाहिए भाई। और इसकी यूआई कुछ ऐसी है और ये हमारी माइनक्राफ्ट ओरिजिनल वाली और इसकी यूआई कुछ ऐसी है। ऊपर माइनक्राफ्ट का लोगो है, नीचे प्ले सेटिंग्स मार्केटप्लेस और ये रहे हम और बाकी यहाँ पे अकाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन बार। लेकिन लोकी क्राफ्ट में यहाँ पे सिर्फ इसका लोगो आता है, प्ले और सेटिंग्स आती है और ये हम स्टीव और ड्रेसिंग रूम मार्केटप्लेस इसमें नहीं है क्योंकि आई थिंक इन गेम परचेज नहीं है इसमें। तो पहले सबसे पहले इसकी सेटिंग्स देखते हैं क्या क्या है इसमें। ओके एक्सेसिबिलिटी, तो इसकी सेटिंग्स तो ऑब्वियसली सेम होगी, एक थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, कीबोर्ड माउस कंट्रोल टच जनरल अकाउंट क्रिएटर वीडियो और यहाँ पे हम रिसोर्स पैक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोबर रिसोर्सेज है और ये क्या है भाई, अरे इसको लॉक्ड क्यों है, इसमें मार्केटप्लेस है? ओ भाई साहब ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तो इसमें भी एक मार्केटप्लेस है, क्या बात है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा वो होम पेज में। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स देखें तो ये भी ऑब्वियसली सेम होगी, देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी आउट टू प्ले कीबोर्ड माउस ये सब बिल्कुल सेम सेटिंग्स है। जो बाकी सेटिंग्स होगी जैसे ये वाली साइड वाली उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं आई थिंक। और यहाँ पे तो रिसोर्स पैक्स हो गए आप देख सकते हो और इनको खरीद भी सकते मार्केट प्लेस में जाके, वहाँ भी मार्केट प्लेस था भाई, वो तो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। सेटिंग्स और ये सब तो बिल्कुल सेम है भाई। और अगर हम प्ले करें तो इसके अंदर का यूआई सेम ही है, तो इसमें सर्वर ज्वाइन कर सकते हम, क्या बात है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर गेम है माइनक्राफ्ट के बाद, तो इसमें होने चाहिए सब। और फ्रेंड्स वगैरह वर्ल्ड हम क्रिएट करेंगे और अगर हम माइनक्राफ्ट में प्ले करें तो हमारे वर्ल्ड आ जाते हैं, फिर फ्रेंड्स सर्वर्स वही सब देख सकते हो आप, सेम ही है ये भी। उसमें भी आई थिंक यही सब सर्वर्स होंगे क्योंकि फीचर सर्वर सभी गेम्स में सेम ही होते हैं, बाकी इसमें रियल हम्स बना सकते आई थिंक उसमें नहीं बना सकते हम। और हम एक वर्ल्ड क्रिएट करके देखते हैं अंदर कैसा है भाई ये। तो वर्ल्ड क्रिएट करते वक्त ये सब नॉर्मल सेटिंग जो होती है माइनक्राफ्ट में वो भी यहाँ पे है। फिलहाल मैं इसको क्रिएटिव कर देता हूँ और नीचे मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं इसमें आई थिंक, हाँ खेल सकते हैं बिल्कुल। रिसोर्स पैक बिहेवियर पैक लगाना तो लगा सकते हैं और यहाँ से करते क्रिएट, आई थिंक आगे कंट्रोल्स भी मांगेगा जो कि माइनक्राफ्ट के अपडेट था। यहाँ पे देख सकते हो नए नए कंट्रोल सब है यहाँ पे, बट हम फिलहाल के लिए डिफॉल्ट वाले खेलेंगे पुराने क्योंकि मैं पीसे में हूँ। यही दूसरे माइनक्राफ्ट में हम क्रिएट करेंगे तो हमको रियल हाउस बनाने का भी ऑप्शन आएगा। फिलहाल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो बस यूआई थोड़ी अलग है, मतलब लेटेस्ट वर्जन जो है माइनक्राफ्ट का उस हिसाब से ये। फिलहाल इधर क्रिएटिव कर लेता हूँ मैं, बाकी एडवांस या मल्टीप्लेयर वो सब है तो यहाँ पे ये सब है जो वहाँ पे नहीं है यहाँ देख सकते हो आप। और इधर करते क्रिएट, यहाँ पे भी आई थिंक मुझसे मांगेगा कंट्रोल्स, नहीं इसमें नहीं मांगेगा क्योंकि ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक है पीसी वाली। तो ये आ चुके हम लोकी क्राफ्ट के अंदर और ओ भाई साहब ये तो लग ही नहीं लोकी क्राफ्ट खेल रहा हूं मैं भाई। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसके यूआई कंट्रोल्स जो है उसका कलर अलग है, बाकी सेम है। और भाई ग्राफिक्स तो एकदम बिल्कुल माइनक्राफ्ट के डिट्टो है भाई, कुछ भी चेंजेस नहीं इसमें, यहाँ देख सकते हो आप, क्या बात है भाई, ये तो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही। और यहाँ पे अगर हम इन्वेंटरी देखें तो वो भी सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, यहाँ देख सकते हो आप भाई साहब, क्या बात है। और ये रही माइनक्राफ्ट भाई, मुझे तो लग रहा है अभी लोकी क्राफ्ट ही खेल रहा हूँ भाई मैं, अच्छा क्योंकि भाई ग्राफिक्स दोनों के बिल्कुल सेम थे, लिटरली सेम। और ये रहा मैं, और इसकी इन्वेंटरी देखे तो ऑब्वियसली थोड़ी अलग होगी, वैसे माइनक्राफ्ट बेडरॉक है पीसी वाली तो इसलिए थोड़ी अलग है ये, बाकी पॉकेट की तो आपको पता ही होगी सेम ही है उसके जैसी। बाकी इसका टेक्सचर्स देख सकते हो भाई कि बिल्कुल मैच कर रहे थे, बस उसका बैकग्राउंड जो हमारा ग्रे है वो येलो था, इस वजह से थोड़ा अलग लग रही थी लेकिन बिल्कुल सेम है भाई वो। अब हमको माइनक्राफ्ट के बारे में तो बाकी चीजें पता है क्या क्या होने वाला है इसमें, तो इसलिए हम लोकी क्राफ्ट को खेलेंगे उसमें दो तीन चीजें देखेंगे जैसे एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड और नेदर, फिर फाइनल कंपैरिजन में आते हैं। तो मैं आ चुका लोकी क्राफ्ट में और भाई ग्राफिक्स तो बिल्कुल सेम ही है जैसा कि मैंने बोला। अब इसके इन्वेंटरी में से कुछ चीजें लेते हैं हम जैसे फ्लिंट एंड स्टील ऑब्सीडियन, तो इसमें भी माइनक्राफ्ट की तरह सारे चीट्स मिल जाएंगे आपको। तो हम यहाँ पे एक लोकेट करेंगे विलेज को, यहाँ देख सकते हो बायोम स्ट्रक्चर आ रहा है बिल्कुल माइनक्राफ्ट वाले भाई भाई। तो ये आ चुका हूं मैं विलेज के पास और भाई साहब विलेज तो बिल्कुल सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं भाई इसमें। और ये आयरन गोलम, हाँ भाई आयरन गोलम, तो आयरन गोलम भी बिल्कुल सेम है भाई साहब। और ये काउस वगैरह तो सेम ही होंगे क्योंकि इसके जो टेक्सचर्स और ग्राफिक्स हो तो सेम माइनक्राफ्ट वाले ही है। और ये रहा एक विलेजर और भाई ये देखो ये कामचोर विलेजर्स भी इस वाली गेम में, और ये काम वाले भी हैं जो कि फिलहाल बेरोजगार पड़े हुए हैं, ये भी बिल्कुल सेम है भाई। हाँ भाई ये ले निकल यहाँ से भाई, विलेज तो बिल्कुल सेम है यहाँ देख सकते हो, सारे घर वगैरह माइनक्राफ्ट जैसे ही हैं। तो अब हम एक काम करते हैं क्यों ना नेदर को जाके देखते हैं कि नेदर कैसा है। तो चलो भाई, तो ये आ चुका हूँ मैं नेदर में भाई, कहाँ स्पॉन हुआ ये, अरे पोर्टल तोड़ दिया मैंने, आई डोंट नो भाई मैं कहाँ पे स्पॉन हुआ मुझे पता ही नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ फोर्ट्रेस के पास आई थिंक, ओके ये रही भाई, लोड बहुत लेट हुआ। ओ भाई सब नेदर को देखे पहले हम, क्योंकि नेदर ने देखा हमने भाई, नेदर तो एकदम सेम है ये देखो, ये क्रिम्सन बायोम कहते हैं आई थिंक इसको, आई डोंट नो ऐसा कुछ नाम है इसका। और ये भी भाई साहब बिल्कुल सेम है, क्या बात है भाई साहब, और टेक्सचर तो ऑब्वियसली सेम है। बाकी नेदर की चीजें देखे तो वो भी सेम होने वाली है। और यहाँ पे ये रही फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस तो भाई ओपी बिल्कुल डिट्टो है भाई डिट्टो। और अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें अंदर वगैरह जाके तो ये देखो ये रही विदर स्केलेटन भी है
यहाँ पे क्या बात है, मतलब इधर भी मार पाएंगे हम, और यहाँ पे ब्लेजिस भी है, वो भाई साहब क्या बात है, इसका स्पॉनर ये रहा और तोड़ देते इसको। पता नहीं भाई क्यों करते हैं सरकते में। हमने ये तो देख लिया, अब एक काम करते हैं, हम फिर से अपने ओवरवर्ल्ड में जाके स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखते हैं और एंड को देखते हैं कि वो कैसा है। चलो, वैसे इस गेम में एड्स बहुत ज्यादा है, अगर आपको खेलनी हो तो नेट ऑफ करके खेलना इसको। तो मैं जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने, आई होप मिल जाए मुझे जल्दी। ओके वो रहा भाई साहब क्या बात है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ऑब्वियसली सेम होने वाला था हमारा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी तक है, क्या बात है भाई साहब ओपी। वैसे गेम अच्छी कॉपी है भाई ये, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है इसके, मेरे हिसाब से इसके 7 से 8 पार्ट्स है। तो एक काम करें एंड में चलते हैं सीधा। कहाँ पे भाई इसका पोर्टल, अभी अभी देखा था मैंने, वो रहा। तो वैसे बहुत बड़ा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे अपना गेम मोड कर लेते हैं हम क्रिएटिव, ये रे माई आयो फेंडर, इसको लगाते हैं यहाँ पे। और चलो भाई, तो ये रहा हमारा एंड, क्या बात है भाई। तो ये भी बिल्कुल सेम है भाई, एंडर मैन। ओ भाई इतने सारे क्या करो तुम एक जगह। तो ये देखो तो एंड तो बिल्कुल सेम है भाई, और एंडर ड्रैगन कहा है भाई, और ये रहा एंडर ड्रैगन, ये भी बिल्कुल सेम है ऑब्वियसली। अब एक काम करते हैं एंड सिटी में चलते हैं हम। एंड सिटी -1500 -1300। तो ये आ चुका हूँ मैं एंड सिटी में, और एंड सिटी कहाँ पे भाई। एक तो भाई ये रेंडर बहुत धीरे हो रही है, पता नहीं क्यों, रेंडर डिस्टेंस का सिर्फ 9 चंक तक जाता है। तो ये रही हमारी एंड सिटी, जो कि आधी दिख रही मुझे। ओके अब दिखी, क्या बात है भाई, एंड सिटी भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं इसमें। इसमें वो कहाँ पे इसके शल्कर्स, ये रहे। हाँ भाई अब नहीं निकलेगा तू बाहर। ओके इसको छोड़ते हम, यहाँ चलते हैं एलिट्रा देखने, एलिट्रा कैसा है भाई, यहाँ से तोड़ते इसको। ये आ चुका मैं अंदर, और ये रहा एलिट्रा, क्या बात है, भी सेम है भाई, लूट भी सेम ही होगी। तो इसको एलिट्रा को लेते हैं यहाँ से। कहाँ गया भाई, हेलो, अरे एलिट्रा गायब हो गया। तो ये थे लोकी क्राफ्ट में कुछ चीजें, जो कि माइनक्राफ्ट जैसी थी। कुछ चीजें क्या, पूरी गेम ही माइनक्राफ्ट जैसी भाई, क्योंकि गेम ये फ्री है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया भाई, इसको आप जरूर खेल सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा। बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है भाई, जो भी हमने चीज देखी बिल्कुल माइनक्राफ्ट की कॉपी थी। यूआई को छोड़ के, यूआई में अगर कलर वगैरह चेंज कर दे तो माइनक्राफ्ट हो ही जाएगी, आपको पता ही है ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके पास भी कोई ऐसी गेम है, उसको भी जरूर कंपेयर करेंगे माइनक्राफ्ट से। तो मिलते हैं लोगों में, तब तक ले बाय बाय। तो आजकल एक माइनक्राफ्ट का लॉन्चर बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, और वो लिटरली फ्री है भाई प्ले स्टोर पे, और उसका नाम है पोजब लॉन्चर। तो आज हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं और इसको कंपेयर करने वाले माइनक्राफ्ट के साथ, लेट्स गो। तो फिलहाल ये लॉन्चर हमारा डाउनलोड हो रहा है, और मैं इसको फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता अंदर से कैसा है ये। तो ये हो चुका है हमारा डाउनलोड, और यहाँ पे अकाउंट बनाने को कह रहा है। अच्छा ओके, अच्छा तो ये वर्जन फिगर, ओके अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ये जावा वाला सिस्टम है। तो हम इसको एक काम करते हैं, कंपेयर भी जावा के साथ ही करेंगे, पॉकेट एडिशन के साथ नहीं। तो लेटेस्ट वर्जन हमारा है ये 1.20.4, तो अभी आई थिंक डाउनलोड होगा। ऐसा इसका साइज तो बहुत ज्यादा है, 600 MB, बाहर 80 MB का लॉन्चर था, अंदर जाके इतनी महंगी चीज है। तो मतलब ये बेसिकली माइनक्राफ्ट जावा का लॉन्चर है एंड्रॉइड के लिए। तो हमारा भी ऑप्टिफाइन डाउनलोड हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट होने वाला है। और आई थिंक ओके, तो गेम चल पड़ी। वो क्या था भाई, अरे ये क्या हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इस लॉन्चर को देखें, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आई थिंक वीडियो एंड रेंडर, यहाँ पे कुछ आई थिंक रेंडरिंग के ये सब है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। कंट्रोल कस्टमाइजेशन, अच्छा तो ये कंट्रोल वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं हम, ओके। और यहाँ पे जावा ट्वीक्स है, अच्छा मेमोरी इसको ज्यादा दे देते हैं भाई, बहुत है हमारे पास, सारी दे दो भाई। तो बाकी सेटिंग्स हमारे काम के नहीं है, तो फिलहाल चलते हैं और इसको करते हैं प्ले। तो ये हमारी गेम हो चुकी है ऑन, और यहाँ पे इसके कंट्रोल्स ओके, बड़े खतरनाक से है भाई कुछ। तो ये माउस ऑन ऑफ, ओके नाइस। यहाँ पे सेटिंग्स है, और ये हमारी माइनक्राफ्ट हो चुकी है शुरू, माइनक्राफ्ट मोजंग स्टूडियोस, क्या बात है, ये तो बिल्कुल जावा वाली वाइब है भाई। और ओ भाई माइनक्राफ्ट, अबे भाई साहब सीरियसली जावा है ये तो, अरे कहाँ म्यूजिक चल पड़ा सस्ता सा, इसको बंद करो। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या इसमें। अच्छा तो ये कंट्रोल्स है इसके, जो कि मुझे आई थिंक पीसी में तो कस्टमाइज करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। बाकी डीबग चैट कीबोर्ड भी है यहाँ पे, टैब, अच्छा अच्छा ये भी है, ओके माउस हो गया, और ये आई थिंक चलने वाला सीन है। तो अब हम थोड़े वो चीजें इसमें चेक करते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये इसके कंट्रोल्स की सेटिंग्स में है, जायरो और ये सब ओके, ये मेरे काम का नहीं है। और यहाँ पे जाते हैं हम सबसे पहले ऑप्शंस में, तो इसमें क्या क्या है, ओके तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन है इसमें। फिलहाल स्किन कस्टमाइजेशन ओके, वीडियो सेटिंग में शेडर वगैरह भी लगा सकते हैं हम, क्या बात है भाई साहब। रेंडर डिस्टेंस 2, इतना कम किया भाई। स्मूथ लाइनिंग ऑन, ग्राफिक्स को फैंसी रखते हैं। तो मैं फिलहाल पीसी में तो इतना तो हैंडल कर ही सकता है मेरा पीसी, पता नहीं भाई करना तो चाहिए। तो यहाँ पे अगर और सब देखे तो ओके, मतलब सेम ही सेटिंग है पूरी भाई। और ये सब ऑफ क्यों है, आई थिंक ये फोन के हिसाब से ऑटोमेटिक वो कर देता होगा, पता नहीं, मैं तो पीसी में तो ये सब ऑन ही रखूंगा। तो ये हमारी कुछ सेटिंग्स थी, रिसोर्स पैक भी है इसमें, क्या बात है भाई। और ओके भाई एनिमेशंस बिल्कुल इसकी जावा वाली है, अरे ये क्या कर दिया भाई मैंने, मुझे लगा कुछ अच्छा सा होगा। तो इसमें मल्टीप्लेयर भी है, क्या बात है, डू नॉट शो प्रोसीड, ओके। तो सर्विस अभी फिलहाल है नहीं। और ये रही हमारी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन पीसी वाली, जो कि भाई सब लग ही रहा है मैं वो खेल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बस जो पोजब के कंट्रोलर्स थे वो निकाल दिए। जिसमें भी आप देख सकते हो मल्टीप्लेयर
मल्टीप्लेयर है, माइनक्राफ्ट डीएलएम्स है, ऑप्शंस में वही सब देखें तो ऑनलाइन इधर भी है, स्किन कस्टमाइजेशन है, कंट्रोल्स है हमारे, बाकी वीडियो सेटिंग्स है, परफॉर्मेंस वगैरह वो सब आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस मुझे दिख नहीं रहे हैं। एनिमेशन और ये सब बिल्कुल सेम है, रिसोर्स पैक वगैरह भी है, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सेम ही थी भाई वो गेम। अब हम चलते हैं पोजा में अंदर, वर्ल्ड वगैरह का बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंगल प्लेयर करेंगे स्टार्ट वर्ल्ड को, तो गेम आई थिंक क्रिएटिव ठीक रहेगा क्योंकि अंदर का देखते हैं क्या क्या मामला है। तो यहाँ पे हम डाटा पैक्स और ये सब लगा सकते हैं, क्या बात। तो यहाँ पे लोडिंग में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अब जाके वो लोड हो रहा है भाई टेरेन, अरे ये तो गेम ही क्रैश होगी। तो आ चुका हूं मैं अब गेम में और भाई साहब एकदम जावा वाली वाइब आ रही है, वैसे जावा का ही वो है तो आएगी ही। वैसे इसके ग्राफिक्स ने ब्लर से क्यों है भाई, के तो मैं ये भी हाइड कर सकता हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर जावा की फील देने के लिए, और क्योंकि मैं पीसी से तो मेरे को तो आसानी होगी, बट आपको दिखाने के लिए इसको रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ग्राफिक्स में जाता हूँ, तो मैंने इसमें ग्राफिक्स कुछ चेंज किए हैं क्योंकि भाई गेम लोड नहीं हो रही थी, क्रैश हो जा रही थी बार बार, तो जो डिफॉल्ट ग्राफिक्स थे मैंने वही सेट कर दिए थे। यहाँ देख सकते हो मैंने फिर से ऑफ कर दिया सब, क्योंकि पता नहीं भाई क्वालिटी के लिए लीनियर मैप्स को भाई हम जरा सा 3 तय रख देते, आई होप क्रैश ना हो गेम। वैसे मुझे पता नहीं है मिनी मैप का काम क्या है। चलो अब ठीक लग रहे हैं पहले से। तो FPS कितने दे रही है गेम मुझे, शो FPS को ऑन कर देते ताकि पता तो चले भाई कितने FPS मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम GUI को हाइड करते हैं और अरे भाई लिटरली 300-350 FPS आ रहे हैं, और वैसे ऑप्टिफाइन भी है तो आने ही चाहिए, वैसे तो कम है ये बट काम चला लेंगे हम। तो डीबग से हमारे ये सब खुल जाता है जो कि F3 से खुलता है जावा में, और चैट से तो हम चैट कर सकते हैं ओके, और टैब से क्या होता है टैब से कुछ नहीं है, और ये थर्ड पर्सन में जा सकते हैं हम अपना वो चेंज कर सकते हैं, बाकी माउस हाइड एंड हाइड करना हो बट पता नहीं क्यों हाइड नहीं हो रहा है फिलहाल वो, क्योंकि मैं वैसे हूँ पीसी में ना इसलिए शायद। PRI क्या है, अच्छा और S क्या है, GUI से तो हाइड करते, इन्वेंटरी से इन्वेंटरी खुलेगी, और तो सबसे पहले इसकी इन्वेंटरी देखते हैं भाई। तो इन्वेंटरी ऑब्वियसली भाई जावा का ही लॉन्चर है ये, तो बिल्कुल सेम होगी माइनक्राफ्ट वाली। मुझे आप कमेंट करके ये बताना क्या ये ऑफिशियल है, माइनक्राफ्ट मोजैंग की तरफ से ऑफिशियल वाला ये है या फिर किसी और थर्ड पार्टी ने बनाया इस लॉन्चर को। भाई साहब इन्वेंटरी तो बिल्कुल खतरनाक डिट्टो कॉपी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं ऑब्सीडियन को, फ्लिंट एंड स्टील को और एंडर आई को। चलो भाई, अरे चलो, अरे ये तो बड़ा वो है यार, इसका माइनक्राफ्ट जावा वगैरह में तो सीधा चले जाते भाई, इसमें लोडिंग में टाइम लग रहा है लेकिन। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं और ओ भाई साहब क्या बात है, और ये रहा नेदर हमारा, मैं बाशन बायो में स्पॉन हुआ हूँ। वैसे इसका रेंडर रिसोर्स कम करना पड़ा मुझे क्योंकि गेम क्रैश हो जा रही थी। आई थिंक फोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जिसका हैवी फोन हो, मेरा तो हैवी पीसी भी नहीं है भाई, फोन तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे आ चुका है दूसरी बायोम नेदर एक वाली, इसका नाम पता नहीं क्या है, इसका नाम होता भी है क्या वैसे कोई। हाँ वो कैसा है तू, ये ले, अरे ये तो जलते नहीं, भूल गया था मैं। वैसे इसमें हम कमांड डाल सकते हैं क्या, गेट स्ट्रक्चर, क्या बात है भाई, बिल्कुल जावा वाली वो है इसमें। तो यहाँ पे हम इधर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे और टेलीपोर्ट हो जाएंगे आराम से। तो है कहाँ पे फोटोज भाई, बताओ तो सही। अरे वैसे मैं इसमें गेम मोड भी तो चेंज कर सकता हूँ, इसमें थोड़े ग्लिचेस दिख रहे हैं मुझे पीसी, अरे साइड में तो है फोटोज। हाँ मैं कह रहा था इसमें थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं, आई थिंक वो पीसी में ही दिख रहे हैं मुझे। कि यहाँ पे रियून पोर्टल भी, अरे रियून पोर्टल नेदर में भी आने लगे क्या, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था भाई। फोर्ट्रेस के नाम पे भाई सिर्फ यही है क्या इधर, नहीं पूरी फोर्ट्रेस होनी चाहिए। हाँ है तो सही, पर अंडरग्राउंड है भाई, पता नहीं क्या सीन है भाई इसका। तो हमने फोर्ट्रेस भी देख ली, सब कुछ देख लिया, और इसको भी देख लेते हैं, इधर आओ ये ले। तो अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं फिर से अपने ओवर वर्ल्ड में। चलो भाई साहब, तो ये आ चुका मैं ऊपर, पता नहीं कहाँ पे हूँ, किसी समुद्र में। यार आपको अगर दिख रहे होंगे दूर से तो इसके ग्राफिक्स बहुत ही ब्लरी से हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े लग रहे हैं दूर से देखने के लिए। तो अब हम चलते हैं एंड में और देखते हैं एंड में क्या सीन है भाई, क्योंकि बाकी तो भाई क्या ही देखे हम इसमें कंपेरिजन करने के लिए, बिल्कुल जावा ही है। तो हम यहाँ से करते हैं लोकेट और अपना गेम मोड कर लेते हैं हम स्पेक्टेटर। ये रहा स्ट्रॉन्गहोल्ड हमारा, क्या बात है, और वो रहा पोर्टल। हमारा गेम मोड होने वाला है अब क्रिएटिव, चलो इनको लगाते भाई, तोड़ना दू बस मैं इसको। चलो भाई, अरे बहुत स्लो है यार इसके रेंडरिंग वगैरह। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं फिलहाल, अब एक काम करते हैं अपने GUI को थोड़ा हाइड कर लेते हैं, क्योंकि क्या ही करोगे बार बार एक ही चीज को देख के। इसका एंड बड़ा अजीब है यार, ऐसा ही होता है क्या जावा का, पता नहीं भाई। मैं वैसे ज्यादातर शेडर्स यूज करता हूँ तो मैंने कभी देखा नहीं, होता तो ऐसा ही है पर इतना गंदा नहीं होता, पता नहीं भाई कैसा होता है। काम करते हैं एंड सिटी में चलते हैं, और ये किया हमने, चलो। तो ये रही हमारी एंड सिटी, ऑब्वियसली भी सेम ही होगी क्योंकि ये माइनक्राफ्ट जावा का ही लॉन्चर है, कोई नई गेम नहीं बना दी इन्होंने। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रो वाली शिप, और हमको मिल चुकी है एडवांसमेंट, क्या बात है, ये ले सब तोड़ दूंगा। तो ये लॉन्चर तो बढ़िया है भाई जावा के लिए, क्योंकि मैं जावा खेलता हूँ तो मुझे पता है भाई बिल्कुल जावा ही है ये। तो आप में से बहुत लोग इसको खेलते होंगे क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे पोजा लॉन्चर के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी टेस्ट कर ले। और आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। तो आप लोगों ने माइनक्राफ्ट ट्रायल के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि प्ले स्टोर पे एकदम फ्री में अवेलेबल है, और ये मोजैंग की तरफ से रिलीज किया हुआ ऑफिशियल वर्जन है माइनक्राफ्ट का। लेकिन ट्रायल में और पेड वर्जन में क्या अंतर है वो हम आज चेक करने वाले हैं। तो सबसे
अवेलेबल हम इंस्टॉल करने वाले ट्रायल को और देखने वाले कितने अलग है ये ऑफिशियल वर्जन से। तो ये हो रही है हमारी माइनक्राफ्ट ट्रायल लोड। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, गेट स्टार्टेड ओपन मेन मेन्यू क्या है। अच्छा तो वो गेट स्टार्टेड क्या था फिर? तो क्योंकि ये फुल वर्जन नहीं है तो यहाँ पे लिखा रहे हैं लोग फुल गेम, तो हमको बाय करनी पड़ेगी वो 690 वाली, और वो हम करेंगे नहीं फिलहाल। इसके अंदर और क्या क्या सेटिंग्स में जाएं, तो सेटिंग्स तो पूरी ऑब्वियसली सेम होगी लेकिन बस एक्सेस हमारे पास लिमिटेड होगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स तो वैसे बिल्कुल सेम ही है जैसी होती है। रिसोर्स पैक्स लगा सकते हैं इसमें मुझे नहीं लगता क्योंकि ट्रायल है। तो ये फिलहाल हम प्ले करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स एक, अरे तो सर्वर भी हम नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमको फुल गेम चाहिए होगी, तो ट्रायल है। तो हम एक काम करते हैं कि वर्ल्ड बना के देखते हैं अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। मैं सर्वाइवल और क्रिएटिव में सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा भाई, सब सेटिंग्स लॉक हो गया था ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ट्रायल में हो तो सेटिंग्स लॉक होगी मेरी कुछ, और पैक्स वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि ट्रायल में नहीं होगा आई थिंक। तो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के कंट्रोल्स हैं नए वाले, बट मैं ऑल्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं इस वक्त पीसी में हूँ। तो हमारा वर्ल्ड बन चुका है, बट मैं चेक करना चाहता हूँ मैं इसमें क्रिएटिव नहीं जा सकता क्या। ओके यहाँ से मैं क्रिएटिव नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता, यहाँ देख सकते हो मुझे सर्वाइवल में करना पड़ेगा जो भी करना होगा। और यहाँ पे ट्रायल का टाइम दिख रहा है मुझे जो कि 88 मिनट्स आई थिंक 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। मैं ना चीट्स एक्टिवेट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता भाई मैं तो। अरे लॉल काई है ये, कैसा नाम है भाई मेरा। और यहाँ पे कुछ इमोट्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे ये वेव और ये फॉलो मी ओवर दे पॉइंटिंग वाला आई थिंक, हाँ, और ये क्लैपिंग है। ये कैसी क्लैपिंग थी भाई लॉल। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटे मोटे टूल्स बनाते हैं और जल्दी से वो स्ट्रक्चर वगैरह ढूंढते हैं विलेज टाइप। और क्योंकि मैं क्रिएटिव नहीं जा सकता तो सर्वाइवल में करना पड़ेगा मुझे ये सब भाई साहब। ये रही पिकैक्स और ये एक्स, तो वैसे मुझे विलेज यहाँ आसपास मिल जानी चाहिए क्योंकि मैं प्लेन्स बाय में स्पॉन हुआ और विलेज तो होती है भाई आसपास, यहाँ पे यहाँ तो समुद्र है। A few moments later. तो मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे विलेज क्या मुझे एक जानवर तक नहीं मिला भाई यहाँ पे। आई डोंट नो क्यों नहीं मिला भाई, मे बी वो भी लिमिटेड होंगे। एनीवेज तब तक हम कुछ बाहर की सेटिंग्स ट्राई कर लेते हैं, क्या क्या लॉक्ड है क्या क्या नहीं। सर्वर्स तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई हमको ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट खरीदनी पड़ेगी, इसको रहने देते हैं। मैं जाता हूँ सेटिंग्स में और देखता हूँ क्यों और देखते हो कौन कौन सी यहाँ पे सेटिंग्स हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वगैरह चेंज कर सकता हूँ, हाँ ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। आई थिंक नाम तो हम बदल ही सकते हैं अपना, हाँ नाम तो हम बदल सकते हैं। अच्छा अच्छा ये तो भाई छोड़ो नॉर्मल है ये सब। आई थिंक यहाँ पे सब कुछ अनलॉक्ड है, मतलब जो ओवरऑल सेटिंग्स होती है ग्लोबल सेटिंग्स। बट क्या मैं अगर वर्ल्ड बनाते वक्त सीट डाल सकता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्योंकि वर्ल्ड में तो बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो लॉक्ड है। तो एडवांस तो चीट्स तो ऑन नहीं कर सकता मैं, कीप इन्वेंटरी ये सब भी लॉक भाई सब लॉक्ड है। तो वर्ल्ड सीट भी नहीं डाल सकता भाई मैं, मतलब इसमें बहुत चीजें हैं जो लॉक्ड है ग्लोबल सेटिंग्स को छोड़ के, बाकी मेन मेन चीजें लॉक्ड ही भाई। और ये रहा मैं जो स्क्रीन है ड्रेसिंग रूम, तो यहाँ पे आई थिंक चेंज कर सकता हूँ मैं करेक्टर अपना, हाँ ये तो कर ही सकते भाई फ्री में, एडिट वगैरह सब कर सकते हैं इसको, चलो ये तो कोई नहीं। तो ये थी माइनक्राफ्ट ट्राय और अब हम देखने वाले ओरिजिनल माइनक्राफ्ट, लेट्स गो। A few moments later. तो ये रहे हमारी ओरिजिनल माइनक्राफ्ट बेडरॉक और ये ऑन होते देख सकते सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियल वर्जन है तो यहाँ पे बाय बाय का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये रहा मैं जिसकी स्किन अभी लोड होगी, और ये मैंने बेंटन की स्किन पता नहीं क्यों लगा रखी है, तो ये कोई बेंटन की स्किन है आई थिंक, हाँ पता नहीं भाई क्या है ये। और क्योंकि ऑफिशियल वर्जन है यहाँ पे मार्केट प्लेस भी होने वाला है, सेटिंग्स तो भाई सब कुछ अनलॉक्ड होगा, वो तो वहाँ पे अनलॉक्ड थी लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे नहीं होगी वो यहाँ। और क्योंकि ऑफिशियल हम यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, रियलम जा सकते हैं, सर्वर्स तो भाई सभी ज्वाइन कर सकते हैं हम, और ऐड भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऐड करके रखा है नेदर गेम्स का। और जो फीचर सर्वर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली होंगे। और अब हम एक वर्ल्ड क्रिएट करके देखते हैं। ओके ओके ओके, तो ये तो भाई अब क्रिएटिव सर्वाइवल का अनलॉक होने चाहिए क्योंकि ऑफिशियल वर्जन है ये। बाकी यहाँ पे हम सीड भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने नाम का डाल देता हूँ और देखते हैं अंदर कैसा आता है भाई वर्ल्ड। बाकी सेटिंग्स तो भाई अनलॉक्ड होंगी सब, चीट्स वगैरह इसको भी ऑन कर देते हैं और क्रिएट करते वर्ल्ड। A few moments later. तो ये आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में और कहाँ स्पॉन हुआ भाई मैं, स्नो बायोम में। ओके और देखो मैं क्रिएटिव में जा सकता हूँ, इन्वेंटरी वगैरह सब एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि ऑफिशियल वर्जन है, तो ये तो मेजर डिफरेंस आ ही गया भाई इन दोनों चीजों में। और इसमें हम चीज डाल सकते हैं जैसे लोकेट करना कुछ, जैसे लोकेट विलेज कर देता हूँ मैं। A few moments later. और मैं आ चुका हूँ विलेज में, वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत बढ़िया थे 200-200 दोनों। और भाई विलेजर कैसा है तू ये ले? अरे मैं भी ऐसे तेरे जैसा ही हूँ थोड़ा लगभग, तूने आंखों में वो लगाया मैंने पूरे शरीर में लगा रखा है। चल निकल यहाँ से, घर के बाहर आग लगा रखी भाई इन्होंने, क्या बात है आग सेक रहे सर्दियों में, ये ले भाई है आप कैसे कहेगा। और ना मैं आपको कुछ मेजर डिफरेंस बताना भूल गया, जैसे माइनक्राफ्ट ट्रायल में हम एंडर ड्रैगन को नहीं मार सकते हैं, मतलब उसमें लिमिटेड है, आई थिंक ओवर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, नेदर में जा सकते हैं हम एंडर ड्रैगन को यही मारेंगे, लेकिन ये फुल वर्जन है इसमें सब कुछ कर सकते हैं, ओवर वर्ल्ड से नेदर, नेदर से एंड ऐसा कुछ कर सकते हैं। और वो इग्लू मिला मुझे इसी बात जो नीचे विलेज फंसा उसको छुड़ा लेते हैं भाई, ठीक है। और भाई किधर है तू? अरे इसको छुड़ा देते हैं, तू कुछ रहा भाई, पोशन ऑफ वीकनेस, ओके गोल्डन एप्पल तो है नहीं मेरे पास, पर ये ले भाई ये ले गोल्डन एप्पल खा भाई तू, अरे एन्चांटेड लगता है क्या इसके लिए, पता नहीं भाई ये तो खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा भाई तू।
तो यही थोड़े बहुत डिफरेंस है दोनों वर्जन में। अगर आपको और भी डिफरेंस पता है इनके तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कोई और वर्जन के साथ कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। तो आज मैं माइनक्राफ्ट को कंपेयर करने वाला इसके बहुत ही फेमस क्लोन के साथ जो कि है क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग, और देखते हैं दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है। तो ये रही हमारी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग गेम भाई, इसके लिटरली 50 मिलियन प्लस डाउनलोड और 4.1 की रेटिंग है। लेट्स सी भाई कैसी होती है अंदर से ये। तो गेम हो रही है लोड, देखते भाई अंदर से कैसी होती है ये। ओ भाई साहब, इसका बैकग्राउंड तो बहुत मस्त है, बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके, वैसे ग्राफिक्स थोड़े कार्टूनिश टाइप है। और ये हो चुकी है हमारी गेम लोड। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा इसके टेक्सचर पैक लगा लेना, इसमें होता है आई थिंक। तो चेक करते हैं भाई ओरिजिनल टेक्सचर एक्टिवेट। तो अब चेक करते हैं भाई कैसे जाती है गेम ये। अवॉइड एड्स ड्यूरिंग गेम प्ले बाय वॉचिंग एन एड। अरे भाई क्या बात है, ये तो देखना ही पड़ेगा वैसे मुझे। तो फिलहाल ये रहा मैं जिसका नाम है 128 वाई स्कैम है, ये क्या नाम है भाई। फिलहाल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं हम जो वर्ल्ड, भाई वर्ल्ड तो पहले से पड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं हम, क्या बात है। तो फ्रेंड्स सर्वर्स, ओके सर्वर्स भी है, मतलब रजिस्टर्ड गेम है भाई ये। और सेटिंग्स में देखे हम कि तो मेरे को ये वाले नॉर्मल चाहिए भाई, क्योंकि मैं खेलता हूँ पीसी में। अकाउंट वीडियो सेटिंग्स टेक्सचर पैक बहुत कम सेटिंग्स है यार इसमें, और हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं स्किन को। ये वाली ठीक लग रही है भाई एलेक्स की, स्टीव पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे, आई थिंक बना सकते हैं हम। तो ये थे कुछ बेसिक इसके लोडिंग वाले फीचर, और ये हमारी माइनक्राफ्ट बेडरॉक ओरिजिनल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसी है, वो तो भाई बिल्कुल चेंज थी। यहाँ की सेटिंग्स देखे तो भाई बहुत कुछ है यहाँ पे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था यार। यहाँ पे टच है, जनरल ये सब है, वहाँ पे आई थिंक मुश्किल से 5 या 6 सेटिंग्स थी, बट यहाँ पे ओरिजिनल में बहुत सारी सेटिंग्स है। यहाँ पे मार्केट प्लेस भी है, बाकी यहाँ प्ले में वर्ल्ड्स और सर्वर्स वगैरह है ही जैसे होते हैं नॉर्मली। बाकी चीजें तो हमको क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में देखनी है अंदर जाके, क्योंकि माइनक्राफ्ट भाई बहुत खेली है। प्ले करते हैं, एक काम करते हैं इस वर्ल्ड को क्रिएटिव कर देते हैं और फिर चेक करते हैं अंदर से कैसी है। वैसे वर्ल्ड में यहाँ पे मल्टीप्लेयर बिहेवियर पैक्स भी है, क्या बात है भाई। तो इसको करते हैं प्ले, अब देखते हैं भाई अंदर से गेम कैसी होती है, क्योंकि मैंने इसमें वो टेक्सचर पैक भी अनेबल कर दिया जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे बहुत। तो यहाँ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में, और ओ भाई सही में यार ये तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट ही हो गई। अरे भाई लग नहीं रहा वैसे सही में मैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग खेल रहा हूँ, क्योंकि बस इसके अगर ये जो यूआई है कलर इसका बदल दे तो ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट ही लगेगी। ये किस चीज का मैप क्रिएट कर रहे हैं भाई। अच्छा इसको छोड़ो भाई, हम चलते हैं और चीजें देखने भाई। लेकिन सही में भाई माइनक्राफ्ट लग रही है ये, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स है ओरिजिनल कार्टूनिश है बहुत। सही में भाई बढ़िया लग रही है अब गेम, ये एकदम माइनक्राफ्ट लग रही है, क्या बात है भाई। और इसकी इन्वेंटरी देखे तो इन्वेंटरी भी भाई सेम है, बस वही है यूआई में थोड़े चेंजेस के कलरिंग, और इसमें बाकी आप देख सकते हो सब सेम ही है भाई, कुछ चेंज नहीं है इसमें। सही लग रही है वैसे ही गेम भाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं ऑब्सीडियन को, फ्लिंट एंड स्टील को, और आयो फेंडर को। सबसे पहले हम नेदर में जाके देखते हैं भाई क्या सीन है, वहाँ भी चेंजेस हुए होंगे बहुत, अगर ये पूरे वर्ल्ड ही ऐसा कर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मैंने इसको क्रिटिसाइज किया था पहले वीडियो में अपनी, क्योंकि बहुत कार्टूनिश ग्राफिक्स है इसके ओरिजिनल वाले, बट ये टेक्सचर पैक से बहुत चेंजेस आ गए हैं। तू क्या देख रहा है, निकल यहाँ से, तेरे काम की चीज नहीं है। देखना भाई इसको ढीटो की तरह यही खड़ा हो, उधर क्या देख रहा है, फिर से देखने लगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, कुछ बात करनी है आपसे, सॉरी भाई मैंने जो भी आपको कहा ये, आप ये मेरा उपहार लो, लो एक और बार लो, फिर से लो। तो चलो भाई नजर में चलते हैं, अब देखते भाई नजर कैसा करती है इन्होंने। आई थिंक वो भी सेम ही हो गया होगा, पूरे टेक्सचर्स अगर माइनक्राफ्ट के ला दिए हैं तो। और मैं स्पॉन हुआ हूँ, अरे कहाँ स्पॉन हुआ, मैं फोर्ट्रेस में हुआ हूँ, क्या बात है भाई। सीधा फोर्ट्रेस में स्पॉन, क्योंकि इसका नाम गोल्ड सीड था ना इसलिए। हाँ क्या बात है, ओ भाई साहब ये देखो भाई, बड़ा तगड़ा सीड है इसका, ये सीड है भाई, इसको आप ट्राई कर सकते हो माइनक्राफ्ट में, आई थिंक चल पड़ेगा ये। तो यहाँ पे ये बाशन स्ट्रक्चर भी है, इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे पता याद नहीं है। और यहाँ पे फोर्ट्रेस भी है, दोनों स्ट्रक्चर एक ही साथ है भाई। तो ये फोर्ट्रेस है, बट कहाँ है भाई फोर्ट्रेस, है तो ऊपर की छत है बस। बड़ी बेकार फोर्ट्रेस है यार ये, तो पता नहीं क्या है भाई, ये रास्ता सब बना रखा है बस। बाकी भाई हम मेन चीज देखते हैं जो कि है इसके टेक्सचर्स और नेदर। यहाँ देख सकते हो लावा भी सेम है, बाकी ये बायोम भी है, क्रिम्सन बायोम कहते हैं शायद इसको, पता नहीं, दोनों बायोम है यहाँ पे, क्या बात है। सही है भाई, बढ़िया है, नॉट बैड। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं वापस और देखते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड और एंड गो। सबसे पहले चीट्स, ओके चीट्स है इसमें, क्या बात है। लोकेट 24 ब्लॉक्स अवे, मतलब मेरे नीचे है वो। गेम मोड स्पेक्टेटर है इसमें, क्या बात है यार, ये सीट तो बहुत कमाल का है। कहाँ पे भाई वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओ ये ओके ये रहा, ओके क्या बात है भाई, ऊपर मैं स्पॉन हुआ, नीचे यहाँ पे ये है, बढ़िया सीट है भाई, ट्राई कर सकते हो माइनक्राफ्ट में, आई थिंक चल पड़ेगा ये। तो यहाँ पे ये रही लाइब्रेरी जो की ओके होती है माइनक्राफ्ट में भी, और ये जो नई वाले स्ट्रक्चर है वो भी है यहाँ पे, क्या बात है। और वो रहा हमारा पोर्टल, सबसे पहले और चीजें देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, और क्या ही देखे स्ट्रॉन्ग होल्ड में वैसे क्या ही होता है। आते हैं हम वापस क्रिएटिव में और करते हैं इसको एक्टिवेट। वैसे ये पहले से एक्टिवेटेड होता तो गोल्ड सीट तो बहुत कमाल का होता भाई। ये फिर एंडरमैन ये रहे जो कि सेम ही ओके, और ये रहा एंडर ड्रैगन, कहाँ पे भाई तू, वो रहा उड़ रहा है। सही है भाई, नॉट बैड, सेम ही तो ऐसा कुछ, क्या बात है। अब चलते हैं एंड सिटी में, तो आ चुका मैं एंड सिटी में, अरे भाई सीधा अंदर ही स्पॉन हो गया क्या। तो ये रहे एंड सिटी जो कि बिल्कुल सेम है भाई, क्या बात है, मतलब टेक्सचर्स वो सही है भाई, काम कर रहे हैं बिना टेक्सचर्स से। आपको पता है गेम कैसी कार्टूनिश बहुत गंदी लगती है, बट ऐसे सही लग रही है, क्या बात है भाई साहब, मस्त गेम है यार ये तो। इसमें सर्वर्स भी है, मतलब सही कॉपी है ये।
भाई ये गेम तो कमाल की है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके सकते हो। वैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर खेलते होंगे इस गेम को, तभी देख रहे हो। मस्त गेम है भाई, मजा आ गया। ऐसी कोई गेम आपके पास भी तो कमेंट करके जरूर बताना, जरूर ट्राई करूंगा उसको। मिलता अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। आज मैं कंपेयर करने वाला माइनक्राफ्ट को माइनक्राफ्ट एजुकेशन के साथ, और देखते हैं भाई माइनक्राफ्ट एजुकेशन कितना अलग है माइनक्राफ्ट से। तो भाई सबसे पहले तो ये रहे माइनक्राफ्ट एजुकेशन, इसकी रेटिंग तो बहुत कम है भाई, देखते भाई इसमें क्या चेंजेस आते हैं अंदर। तो ये ऑन हो रही है हमारी माइनक्राफ्ट एजुकेशन। तो सबसे पहले भाई अकाउंट मांग रहे हैं, जो कि मेरे पास है नहीं, तो इसको हटाते हैं, डेमो ही करते हैं भाई। बाकी चीजें आपको बता लूंगा अंदर में क्या क्या होता है, अगर किसी के पास अकाउंट है तो वो मुझे दे सकता है। तो ये रहा इसका कुछ इंटरफेस। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हो, ये कुछ सिटी लग रही है भाई, स्कूल वूल होंगे पीछे, देखो पीछे कार भी है, तो वही एजुकेशन पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं हूँ प्लेयर, इसको आई थिंक मैं ओके, यहाँ पे बहुत सारी स्किन्स हैं, आई थिंक मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ। बाकी वैसे नीचे और भी हैं डेवलपर्स की, ओके नीचे तो बहुत सारी स्किन्स है, वो भी सब अनलॉक्ड है। ये मस्त लग रही है, ये लेते हैं, वैसे लड़की की है मेरे हिसाब से ये। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, माइनक्राफ्ट एजुकेशन डेमो लेसन, अच्छा क्योंकि अकाउंट तो यार क्या करे। तो यहाँ पे अनलॉक फुल गेम मेरे पास भाई अकाउंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सेटिंग्स, सेटिंग्स में तो भाई वही नॉर्मल माइनक्राफ्ट वाली है। ओके यहाँ पे लैंग्वेजेस भी हैं, आई थिंक उसमें भी होती है, मैंने कभी गौर नहीं दिया हुआ। बाकी तो वही सब चीजें हैं इसमें, देख सकते हो यहाँ पे कीबोर्ड माउस वही है, कंट्रोलर टच वही सब आ गया इसमें। कंट्रोल मोड तो वैसे मुझे इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, बाकी मैं आपको चीजें बता दूंगा इसमें अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड ही भाई। यहाँ पे साइड में कुछ कंट्रोल्स है, क्लिक द लोगो टू बिगिन, ओके सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं क्या क्या भाई इसमें। बाकी यहाँ पे अगर इसमें जाए तो ज्यादा कुछ है नहीं, फिनिश हाउ टू प्ले ये सब है, कुछ भी नहीं है भाई अंदर। तो यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो चुकी स्टोरी, एस्केप स्टेट, वैसे मुझे देखनी पड़ेगी क्या ये, अच्छा ये मैं ही तो हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका कहीं पे, स्किप करो भाई। अरे भाई तू कहाँ से आ गया अचानक से, ये कंट्रोल्स को हाइड नहीं कर सकते हो, एच दबाना पड़ेगा। ओ भाई सब ये क्या हो रहा है, ओह ये क्या चीज आई, ये इसका टेंटेकल था, सर्च रूम फॉर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको भाई साइड में रखते हैं। अब चलते अपनी माइनक्राफ्ट में, थोड़े बहुत चेंजेस हमें दिखाते हैं क्या चीजें हैं भाई। और ये रहे हमारी माइनक्राफ्ट बेडरॉक पॉकेटेशन कह सकते हो आप, और यहाँ पे देख सकते हो वही सिंपल सी, बट पीछे बैकग्राउंड पूरा चेंज है, वहाँ पे एक सिटी थी यहाँ पे नहीं है, और नाम तो ऑब्वियसली चेंज हो गई। तो यहाँ की सेटिंग्स में चले तो भाई सब वही सब कुछ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे लैंग्वेज का भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया आज तक। और यहाँ पे रिसोर्स पैक्स लगा सकते हैं, वहाँ पे नहीं लगा सकते थे, बाकी वीडियो क्रिएटर ये सब वहाँ पे भी था, इसमें कुछ चीजें नहीं थी मेरे हिसाब से। हाँ यहाँ पे दो तीन चीजें ज्यादा उधर से, आई डोंट नो भाई, कमेंट करके बताना। तो ये था डिफरेंस दोनों गेम में, बट अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो कि इस गेम में नहीं है लेकिन उस गेम में है। तो अब मैं आपको माइनक्राफ्ट एजुकेशन बताने वाला अंदर से, जो कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इन्वेंटरी में बहुत कुछ आ गया है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, 126 होते हैं आई थिंक, सबके सब है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम सब है भाई यहाँ पे। अच्छा ऐसे ऐसे भी होते हैं क्या भाई, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो हूँ नहीं साइंस से। तो मैंने इस गेम में बहुत सारी चीजें देखी क्योंकि ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट बेडरॉक ही है, बट इसमें एजुकेशन एडिशन का ऑप्शन आता है, वो मैंने चला दिया, तो मुझे लगा था ऐसा कुछ आ जाएगा सब कुछ, बट इसमें बस यही चीजें आई हैं, और इनका क्या यूज होगा मुझे तो लिटरली पता नहीं भाई। बट मैं आपको ऐसे ब्रीफ में बता देता हूँ, जैसे कि हमारे एक नॉर्मल ग्लास ब्लॉक है जो बहुत जल्दी टूट जाता है, माइनक्राफ्ट एजुकेशन में अल्ट्रा ग्लास नाम का ग्लास आता है जो कि बहुत मजबूत है, जो कि लिटरली बहुत टाइम लगाता है टूटने में, और वो TNT से भी नहीं फटता भाई, लिटरली इतना मजबूत होता है। और इसमें कुछ चीजें भी हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड क्रिएटर आ गया, इससे मैं कुछ बना सकता हूं, और एक एलिमेंट बनाने वाला भी है जिसमें मैं एलिमेंट डाल के बना सकता हूं कुछ। भाई साहब ये तो खतरनाक चीज है भाई, ओहो एटम न्यूरॉन प्रोटोन सब है भाई इसमें। तो यहाँ पे एक लैब टेबल भी है और एक मटेरियल रिड्यूसर है, ये तो भाई वही चीजें हैं जो कि एलिमेंट्स इतने सारे दिए हुए हैं 126, उनसे कुछ बनाने के लिए, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। बाकी आपको एक दो चीज और बता देता हूँ मैं, जैसे कि आइस ब्लॉक आपको पता ही है, इसको पिघलाने के लिए कुछ गर्म चीज अगर आसपास रख दो तो ये खुद पिघलने लग पड़ेगी, बट माइनक्राफ्ट एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अलग से एक हीट ब्लॉक आता है जो कि उसके ऊपर रखोगे तो पूरी आसपास की आइस पिघल जाएगी, बहुत मजेदार चीज है वो भी। माइनक्राफ्ट के मिल्क की पावर तो आपको पता ही होगी भाई, इसको पीते सारे के सारे इफेक्ट चले जाते हैं, बट एजुकेशन एडिशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हर एक इफेक्ट के अलग से एक पोर्शन बना होता है, जैसे आंखों के लिए आई ड्रॉप मिल जाएंगे, और ऐसे नोजिया के लिए और अलग से पोर्शन होगा, बहुत सारे पोर्शन मिलते हैं भाई उसमें। ये कुछ ब्रीफ चीजें मैंने बता दी आपको, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर मुझे कभी अकाउंट मिलता है इसका तो मैं जरूर उनको ट्राई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैं खेलने वाला माइनक्राफ्ट के एक पॉपुलर क्लोन गेम जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन एक्स, ही रही वो गेम, इसके लिटरली 1,00,000+ डाउनलोड्स हैं, आई थिंक रिसेंटली रिलीज हुई है थोड़े महीनों पहले ही, क्योंकि इसके रिव्यूज देख रहा हूं तो लेटेस्ट ही है। तो इसको करते हैं इंस्टॉल, ओ भाई साहब यहां पे तो मस्त लग रही है, क्राफ्ट्समैन लोडिंग मस्त है भाई एकदम माइनक्राफ्ट जैसी। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड जो कि पता नहीं ऐसा क्यों है, प्ले योर वे ओके समझ गया भाई, इतना कुछ नहीं चाहिए ओके। तो ये रही गेम, तो यहाँ पे तो सब सिंपल है, ऊपर क्राफ्ट्समैन का लोगो, नीचे प्ले सेटिंग्स, ये और सेटिंग्स में देखें तो क्या क्या है भाई, ओके तो मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे मार्केट प्लेस भी आई थिंक, हाँ ये रही, ओ भाई साहब क्या बात है, तो यहाँ पे हम चीजें खरीद सकते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे दिखा रहा है 10,000 रिजल्ट आए लेकिन कुछ भी नहीं, मे बी कोई ग्लिच होगा, मैंने साइन इन नहीं किया ना शायद इसलिए, इसको छोड़ते हैं बाकी चीजें देखते हैं। बाकी सेटिंग्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ देख सकते हो नॉर्मल ही है, और मेरा नाम ऐसा क्यों है भाई, बीस्टी पाई रखो, और इसी नाम की खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो ये सब इस गेम की नॉर्मल सेटिंग्स आ गई, और ये हमारी माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन ओरिजिनल।
ओरिजिनल है भाई मेरे पास, अंधा पैसा है। नहीं भाई अंधा पैसा नहीं है। तो ये रहा मैं फिर से बेंटन ही बनाऊ मैं हर बार की तरह। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका इंटरफेस अलग है बिल्कुल। यहाँ पे प्लेस सेटिंग्स वहाँ पे भी थी ये तो, पर यहाँ पे मार्केट प्लेस, आई थिंक मार्केट प्लेस वहाँ भी है क्योंकि अगर दिखा रहे हैं तो। मैंने लॉग इन नहीं किया मैं इसलिए पता नहीं। और ये ड्रेसिंग रूम आ गया हमारा, ये तो वहाँ भी है। स्टीव नहीं भाई मैं बेंटन। अरे ये क्या बनाया भाई मैंने पता नहीं क्या है। बाकी अंदर से हमारे वर्ल्ड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्वर्स हैं, यहाँ देख सकते हो। अब बाकी चीज देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है हमारा जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे हम स्टीव ले सकते हैं, ओके तो ले लिया। यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं जो कि हमने करना नहीं, तो सीधा करते प्ले। यहाँ पे भी सर्वर्स हैं, 10 सर्वर्स हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कुछ अलग से सर्वर्स और फीचर सर्वर्स भी हैं। इनके आई थिंक कस्टम सर्वर्स होंगे, मे बी प्रमोशन टाइप। और हम करते हैं वर्ल्ड को क्रिएट, यहाँ पे करते वर्ल्ड को क्रिएटिव। बाकी एडवांसमेंट मल्टीप्लेयर ये सब तो भाई बिल्कुल माइनक्राफ्ट का है, बिल्कुल देख सकते हो आप। करते यहाँ पे क्रिएट और यहाँ पे मांग रहे हमसे कंट्रोल जो कि सारे हैं, तो मैं तो ये वाले लूंगा क्योंकि मैं हूँ पीसी में। तो ये रही अपनी गेम भाई, बिल्कुल माइनक्राफ्ट लग रही है, बस इसके जो यूआई है येलो है। चलो इतना तो चलता है भाई इन सब में। बाकी मैं कौन सी बायो में भाई, ये वैसे थोड़े से वाइब्रेंट है, मतलब टेक्सचर्स है माइनक्राफ्ट के लेकिन अलग है थोड़े से। यहाँ देख सकते बहुत चमकीला है भाई, ये वाइब्रेंट टेक्सचर्स है इसके। ये रही विलेज, ओ भाई ये वाले टेक्सचर सही लग रहे हैं। आई थिंक वो बायो में ऐसी थी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट थे यार वो वाले। वैसे इस गेम में एड्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए टेक्सचर्स को देखे अगर क्रॉप्स के भी तो ये भी सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हमारे विलेजर्स जो कि हर बार की तरह हम भी एक काम करेंगे यहाँ पे। ये ले यार पता नहीं ऐसी हरकतें कब बंद करूंगा मैं। तू क्या, अरे तू क्या देख रहा है भाई वहाँ पे, क्रॉप्स को तो देख रहा है। अरे ये सही में किस चीज को देख रहा है भाई, ये ले देखते रहे। अरे भाई छोड़ो इन सबको, अब देखते बाकी चीजें। बाकी विलेज तो सेम ही है भाई, देख सकते हो आप। अब देखते हैं इन्वेंट्री को, तो इन्वेंट्री भी भाई क्या बात है, बिल्कुल सेम है। देखो टेक्सचर्स बिल्कुल सेम है, स्मूथनेस भी सेम है इन टेक्सचर्स की, कोई चेंज नहीं है। बाकी देख सकते हो सब कुछ सेम है इनके टेक्सचर्स में, सॉल्ट्स तक अलग नहीं है। तो मतलब बहुत ही खतरनाक कॉपी भाई ये, मतलब पूरी इन्वेंट्री सेम है। अब बनाते हैं पोर्टल नदर में जाने के लिए, चलो। तो ये रहा इस गेम का नदर, क्या बात है भाई बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे ये, खतरनाक क्या कॉपी है। तो ऐसा ही होगा भाई साहब, एड भी ढंग की नहीं है और पता नहीं कहाँ पे एड, ये साइड में। हेलो पहचान कौन, हेलो गास कैसे हो, ये लो स्पॉट लो मेरी। ओके तो ये आगे सोल्स एंड वैली, और इसके उस तरफ है आई थिंक बाशन बायोम। हाँ यहाँ देख सकते हो क्या बात है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम चलते हैं वापस। तो भाई इस गेम में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड लिटरली विलेज के नीचे है। आई थिंक ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का फीचर होगा कि विलेज के नीचे ही होगा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, पता नहीं भाई बाकी मुझे। जावा में तो ऐसा बहुत कम होता है। ये रहा हमारा एंड पोर्टल, इसको करते एक्टिवेट। स्ट्रॉन्ग होल्ड मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि भाई सेम ही होगा, पूरी माइनक्राफ्ट सेम है तो वैसे कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए मुझे तो, क्योंकि सेम है। ये रहा हमारा एंड, क्या बात है। सबसे पहले मुझे कुछ पुराने बदले लेने अपने, ये ले भाई। अरे तू रह गया, तू आ जा, ये ले। हाँ चलो अब जलते रहे थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा हमारा एंड पूरा का पूरा, और ये रहा हमारा एंडर ड्रैगन आधा अधूरा। चलो ये भी सही है, सब कुछ सेम है। अब चलते हैं एंड सिटी। तो ये आ चुका मैं एंड सिटी में। एक तो इसका एंड सिटी पता नहीं क्यों कहते हैं, लिटरली एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, कम से कम तीन चार तो दो यार। वैसे बहुत, अरे भाई साहब बहुत बड़ी है ये, वैसे लिटरली भाई बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी मैंने आज तक देखी नहीं है, या तो इस गेम में ऐसा या फिर पता नहीं भाई, मुझे बहुत सही लग रही है लेकिन बहुत बड़ी है ये। ये भाई एंड सिटी, मजा आ गया। शिप हो रही, क्या बात है, शिप में जाएंगे बार बार ऐसे बोर हो जाते हैं। तो ये थी गेम जो की बहुत मस्त थी भाई। और इस स्टीव के हाथों को क्या हो गया भाई, धूप में ज्यादा चल दिया क्या? आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, रेटिंग जरूर देना। तो मैं इसको दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स क्योंकि बहुत मस्त थी। और ये एंड सिटी बहुत बढ़िया लिटरली भाई, मजा आ गया इसको देख के। बाकी मैंने आधा पॉइंट इसलिए काटा क्योंकि बहुत सारी एड्स है भाई आज के लिए। आई थिंक इतना काफी है, मिलते गुलड़े में, तब तक के लिए बाय बाय।